हेलो स्टूडेंट्स, आज चलते हैं 7th क्लास यूपी बोर्ड की दीक्षा हिंदी की किताब और इसका चैप्टर नंबर 3 को पढ़ते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। यह पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। वीर जो सैनिक हैं, आर्मी के लोग हैं, उनकी प्रशंसा के बारे में, उनके पराक्रम के वर्णन के बारे में आज इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। एक एक लाइन, एक एक शब्द को आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिए मेरे साथ, चलिए इसको देखते हैं। जो वीर सैनिक होते हैं, वो घर की सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर दुर्गम पहाड़ियों पर, बर्फीले स्थानों पर वर्दी को पहन के, भारी बंदूक राइफल को लेके जो ड्यूटी करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो उनके पराक्रम का वर्णन है, वीरों का कैसा हो बसंत। तो देखिए इस कविता को, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमांचल से पुकार है, उदति गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रश्न किया है कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए और वीरों की खुशहाली किस तरह से होनी चाहिए। तो वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, मतलब हिमाचल भी पुकार रहा है उनको, है उदद गरजता बार बार। और उदद का मतलब होता है समुद्र, समुद्र भी गरज रहा है बार बार, समुद्र से लेकर हिमाचल तक दोनों साइड से उनकी पुकार आ रही है। उधर समुद्र बुला रहा है और इधर हिमाचल से भी पुकार है। प्राची पश्चिम भू नब अपार, प्राची और पश्चिम, भू पूरब पश्चिम, धरती आकाश, ये सभी पूछ रहे हैं दिग दिगंत, इस चारों दिशाओं से ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि वीरों का कैसा बसंत होना चाहिए, कि वीरों का जीवन कैसा होना चाहिए, इस चीज के लिए प्रश्न हो रहा है। अब देखिए अगला वाला पैरा, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, बसु बसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फिर अगला प्रश्न है कि वीरों का बसंत कैसा हो। सरसों फूली हुई है, लहलहाते फसलों ने हैं वीरों के जीवन में रंग भरते हैं, मधु लेकर आ रहा अनंग, मधु का मतलब शहद को लेकर, अनंग आ रहा है, अनंग का मतलब कामदेव, कामदेव शहद लेकर आ रहे हैं, मतलब जीवन में रंग भरे जा रहे हैं, बसु बसुधा पुलकित अंग अंग, और आसमान पुष्प रस लेकर आया हो, काम या मधु लेकर आ पहुंचा अनंग का मतलब कामदेव, कामदेव का मतलब है कि यहाँ पर आसमान से पुष्प रस आ रहा है, मधु, मधु का मतलब शहद, शहद क्या होता है, पुष्प का रस, पौधों का रस, और बसु बसुधा पुलकित अंग अंग, जो वसुधा है हमारी पृथ्वी है वो रोमांचित है, उसका अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत, लेकिन जो कंत है वो वीर वेश में है, यानी पति प्रिय वीर की वेशभूषा में है, यानी वो युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, मतलब एक तरफ सैनिकों के घर और घर की सारी खुशहाली और हरियाली, और दूसरी तरफ होता है उनकी अपनी जिम्मेदारी और देश की रक्षा, किस यहाँ सरसों भी फूली हुई है, यहाँ मस्त मौसम है, बसु बसुधा का अंग अंग पुलकित है, लेकिन किंतु वीर भेष में है कंत, लेकिन वीर योद्धा के भेष में है, तो वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती है कि वीरों के जीवन में वसंत तभी आएगा जब वो शांति से अपनों के साथ खुशियां मना पाएंगे। उनका बसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है,
और वसंत के आने पर कोयल कूकती है, भर रही कोकिला इधर तान, कोयल कूकती है अपनी तान भरती है, मारू बाजे पर उधर गान, और युद्ध के मैदान में मारू बाजे में युद्ध के मैदान के बाजे में उधर गान चल रहा है, इधर कोयल कूक रही है और उधर युद्ध मैदान में बज रहा है बाजा, है रंग और रण का विधान, एक तरफ रंग है अपना सुखमय घर का जीवन और एक तरफ रण का विधान, एक तरफ युद्ध की तैयारी है। मिलने आए हैं आदि अंत, बहुत जबरदस्त लाइन है, मिलने आए हैं आदि और अंत, एक तो वो जो अपना जीवन और एक वो युद्ध की तैयारी में, वीर को जब मैदान में उतरता है तो जीवन और मृत्यु दोनों को हथेली पर रख के चलते हैं, मिलने आए हैं आदि अंत, आदि का मतलब जीवन और अंत का मतलब मृत्यु, दोनों को हथेली पर रखे, जीत मिलेगी तो जीवन मिलेगा और पराजय मिली तो मृत्यु होगी। कवित्री फिर प्रश्न करती है, वीरों का कैसा हो बसंत, आपके भी घर परिवार में आस पड़ोस में कोई न कोई वीर सैनिक जरूर होंगे, उनको देखिए कई कई महीने बाद वो घर आते हैं, और अब तो मोबाइल फोन सब चीजें हैं, लेकिन कोई टाइम था जब ये लोग लेटर भी नहीं भेज पाते थे। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुषवाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है तुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती है और दूसरी ओर उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों के हार को भी देखती है। वे दोनों को एक साथ रखकर पूछती है कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया की बाहों के हार को चुने। गलबाहें हो या कृपाण हो या तलवार हो या अस्त्र शस्त्र हो, चल चितवन हो या धनुष बाण हो, रस विलास या दलित त्राण, युद्ध में जाने वाले कृपाण चुन रहे हैं या घर पर रहेंगे, वे धनुष बाण संभालें या प्रिया के नैनों के बाण, वे विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण होता है उसका चुनाव करें या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाएं। सबसे प्रबल समस्या क्या है, यही है समस्या दुरंत। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि सब दुख सुख के बीच इनका वसंत कैसा हो, जब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो कवित्री कहती है कि देशवासियों, युद्ध की सच्चाई ज्ञात हो जाए, और अतीत की चुप्पी को तोड़ने के लिए कहती है, युद्ध ही क्यों होते हैं, उससे किसी का कभी भला नहीं होता, जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। कह दे अतीत अब मौन को त्याग, हे अतीत हे इतिहास, अब तो मौन को त्याग दे, इतिहास कहता है, इतिहास गवाह इस चीज का, वो कहती है कि मौन त्याग करके सारी चीज सामने आनी चाहिए। लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंका में आग क्यों लगी, क्यों युद्ध हुआ था, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, एक लंका में युद्ध हुआ था, ये युद्ध होते ही क्यों है, कुछ समाधान ऐसे ही निकल आने चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, अब जाग जाग, अब तो ये बतला अपने अनुभव अनंत, जो तुझे इतने सारे अनुभव हैं इस पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के जागने के लिए कहा जाता है ताकि अपने अनंत अनुभवों को बताकर दुनिया को युद्ध के संकटों से बचाया जा सके। बतला अपने अनुभव अनंत, अनुभव ये बताते हैं कि युद्ध में किसी का कोई भला लाभ नहीं हुआ है। तो कहती है वीरों का कैसा हो बसंत, युद्ध नहीं होने चाहिए, युद्ध नहीं होगा तो ये वीर सैनिक भी शांति से अपना जीवन बिता सकेंगे। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां जुलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री चाहती है कि युद्ध और वीरता की मिसाल बने, क्या क्या, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ए दुर्ग, दुर्ग का मतलब है सिंहगढ़,
सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों का आह्वान किया जाए। देश के गौरव राणा महाराणा प्रताप, नाना नाना का कर घमंड, नाना का मतलब नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा देती है। दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत उनकी स्मृतियों से जगा करती है, ताकि देश के नौजवान अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। आखिर वीरों का वसंत कैसा हो? क्या युद्ध भूमि में शहीद हो जाना उनका वसंत है? नहीं। इसलिए कवित्री अतीत में घटित पुराने हमारे जितने युद्ध हुए हैं उनके कड़वे सच को बताते हुए वर्तमान में नरसंहार को रोकना चाहती है। ये कहती है पुराने अनुभवों से सीखो, जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ और सिंहगढ़ के प्रचंड राणा नाना इन सब के युद्धों का वर्णन करते हैं। दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, पुरानी यादों से पुराने अनुभवों से हमको वो सीख लेनी चाहिए कि युद्ध नहीं होने चाहिए। कवि अपनी कविता में बहुत कुछ कहना चाहता है, समझने की चीज है। अभी आपका अच्छा सात के छात्र छात्राएं हैं और ये संदेश आपके अभी से मन में भरना चाहिए कि कभी भी किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं होता है, उसको बिना युद्ध के भी काम चलाया जा सकता है। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री बड़ा दुख प्रकट करती है यहां पर। देखो आपको मेरी कविता बहुत अच्छी पसंद आ रही हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, कम से कम अपने दो तीन मित्रों को अपने क्लास वाले ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी छात्र पढ़ सकें। कोई छात्र बिना पढ़े बिना समझे ना रह जाए, ये अभियान है मेरा। चलिए, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, कवित्री कहती है अपना दुख प्रकट करती है, आज भूषण और चंद जैसे कवि नहीं रहे हैं। बिजली भर दे वह छंद नहीं, मतलब मेरा ऐसा छंद नहीं है कि जो किसी में बिजली भर दे, जान डाल सके। लेकिन आज कवियों की कलम भी स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, लिख नहीं सकते, अंग्रेजी शासकों के गुलाम हैं। ये जो कविता लिखी गई है ये उस वक्त लिखी गई है जब अंग्रेजी शासन था, तो तब कवियों को लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी। आज तो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो स्वतंत्रता से कविता लिख देते हैं किसी भी तरह से। तो कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, कलम का मतलब यहाँ पे पेन बंधा हुआ है, कभी लिखना चाहता है लेकिन कलम नहीं लिख रही है, इसका मतलब नियम इस तरह के थे कि स्वच्छंद नहीं थे। फिर हमें बतावे कौन हंत, फिर हमको कौन आकर बताएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत, किससे पूछे और कौन बताएगा कैसा होगा वीरों का वसंत। तो ये पूरी कविता मैंने आपको पढ़ के पूरी सुनाई है, एक एक शब्द आपको समझ आया है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का थोड़ा सा परिचय है, इसको भी आप देख लीजिए यहां से, और उसके बाद फिर एक नए पाठ के साथ नई पोएम के साथ फिर मिलते हैं आपको अगले बारे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को जाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पहले से देखते हैं तो हर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर आपको, थैंक यू।